साथियों नमस्कार, आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल में स्वागत है। आज का विषय थ्री फेस मोटर या सिंगल फेस मोटर, जितनी भी इंडक्शन मोटर होती हैं उनका स्पीड निकालने का कैलकुलेशन करने का देखना है। थ्री फेस मोटर में इंडक्शन मोटर हो या स्लिप रिंग मोटर हो या सिंक्रोनस मोटर हो या सिंगल फेस की कोई भी छोटी मोटर हो, सभी में स्पीड निकालने का एक ही फार्मूला काम में आता है। और दूसरी बात यह है कि इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होती है वो इंडक्शन मोटर के नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि उसकी वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। इस वीडियो को देखते हैं। सप्लाई की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हिंदुस्तान में 50 हर्ट्ज़ है और बाहर के किसी किसी देश में 60 हर्ट्ज़ है। नंबर ऑफ पोल्स मोटर में जो होते हैं उसकी वाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। टोटल स्टेटस का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसको कितने पोल में डिवाइड किया गया है उसके ऊपर होता है। किसी किसी मोटर में 2 पोल होते हैं, किसी में 4 पोल होते हैं, किसी में 6 पोल होते हैं, किसी में 8 पोल होते हैं, इस तरह से जाता है। जनरली टेबल फैन की मोटर और कूलर की मोटर, एग्जॉस्ट फैन की मोटर में 4 पोल होते हैं इस टाइप से, 1, 2, 3, 4। और सीलिंग फैन की मोटर में 14 पोल होते हैं या 12 पोल होते हैं। फार्मूला जो है स्पीड के, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। सिंक्रोनस स्पीड के फार्मूला होता है 120 × F/P। इसमें F जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज है और पोल जो है नंबर ऑफ पोल्स इन मोटर वाइंडिंग है। NS को सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब ये होता है कि जब हम मोटर को सप्लाई देते हैं AC सप्लाई, तो उसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है। जैसे कि 6 पोल की मोटर होगी तो 1000 RPM उसकी सिंक्रोनस स्पीड होगी, 4 पोल की मोटर में उसकी सिंक्रोनस स्पीड 1500 RPM होती है, 2 पोल में 3000 RPM होती है, इस तरह से होती है। पर रोटर की स्पीड इस स्पीड से थोड़ी सी कम रहती है, उसके लिए एक स्लिप का कॉन्सेप्ट होता है। तो NR इज एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर, दैट इज ऑलवेज लेस देन NS। स्लिप जो होती है वो NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS इंटू 100 होता है। इसको परसेंटेज स्लिप बोलते हैं। इंडक्शन मोटर में जनरली 4%, 5% स्लिप रहता है, जो कि नेम प्लेट के ऊपर दिया जाता है। NR रोटर स्पीड है। इसको निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, NS माइनस NS इंटू S/100। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें कि एक 4 पोल की मोटर है जिसमें 4% स्लिप है, तो इसका रोटर की स्पीड को हमको निकालना है। तो सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 × फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी 50 / 4, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 1500 RPM। मतलब इस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड 1500 RPM होगी। इसका मतलब जब हम इसको सप्लाई देंगे तो इसके अंदर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो 1500 RPM से चलेगा, परंतु रोटर की जो एक्चुअल स्पीड होगी वो 1500 से कम होगी। तो उसको निकालने के लिए ये वाले फार्मूला यूज़ करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड NS 1500 माइनस 1500 इंटू स्लिप 4% डिवाइड बाई 100। इसको कैलकुलेट करने से 1500 माइनस 60 इज इक्वल टू 1440 RPM आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी मोटर की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी रोटर स्पीड कितनी होगी। इसमें मेन चीज़ 2 चीज़ होती हैं, एक सप्लाई फ्रिक्वेंसी होती है और दूसरा उसके नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। तो जब कोई भी मोटर होती है उसके जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते हैं, और सप्लाई फ्रिक्वेंसी भी चेंज नहीं किया सकता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें कि अगर आपको मोटर की स्पीड वेरी करना है तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम मोटर के नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करें या सप्लाई फ्रिक्वेंसी को चेंज करें। तो नंबर ऑफ पोल्स चेंज करने के लिए किसी किसी मोटर में डबल वाइंडिंग रहती है जिसमें कि एक 4 पोल की वाइंडिंग होती है और एक 8 पोल की वाइंडिंग होती है, तो मोटर 1500 RPM और 750 RPM में चल सकती है। दोनों के अलग अलग वाइंडिंग कनेक्शन करते हैं। उसी तरह से आजकल जो नया सिस्टम आ गया VFD बोलते हैं जिसको, फिर वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव का यूज़ करने से हम 0 से लेकर 50 तक की कोई भी फ्रिक्वेंसी का 3 फेज सप्लाई बना सकते हैं, और सप्लाई को मोटर में देने से मोटर 0 से 1500 तक के किसी भी RPM में चल सकती है। तो ये नया जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आया है VFD, इसका आजकल ज़्यादा यूज़ होना चालू हो गया है। इसके अलावा जो स्लिप रिंग मोटर होती है उसके रोटर सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस,
उसको कंट्रोल करके भी स्लीपिंग मोटर की स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।